हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, दिन है मंडे का, तारीख है 1 जून, और अभी बज रहे हैं कोई सुबह के 7। तो मैंने देखा ना, थोड़ा थोड़ा सा आज ना मौसम सही हो रहा था। मतलब रात को ना हल्की सी बारिश भी हुई थी, तो सुबह का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, गर्मी से ना थोड़ी सी राहत हो गई है। तो फ्रेंड्स, जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मौसम ठंडा हो जाता है ना, वो सब बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड हो रहे हैं ड्यूटी के लिए रेडी, क्योंकि 1 हफ्ते की छुट्टी बिताने के बाद में आज हस्बैंड को भी जाना है ड्यूटी। आज से मतलब वो भी अपने रूटीन में आ जाएंगे, डेली ड्यूटी जाना आना, अपना मतलब बिजी होना। और आज से ना बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आज मैं ना बच्चों को भेज नहीं रही हूँ स्कूल। 1-2 दिन नहीं भेजूंगी, फिर कंटिन्यू जो है स्कूल जाएंगे। तो अभी मैं निकाल ले रही हूँ पूरे घर में झाड़ू, उधर से किचन की तरफ दूसरे कमरे में मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। उधर के ना लाइट वगैरह सब बंद है, क्योंकि अभी लाइट नहीं जलाई है ना, बच्चे वगैरह सो रहे हैं, तो इसलिए जो है फिर उधर का मैंने कुछ भी अभी शूट नहीं किया है, कुछ नहीं दिखाया है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ। और हस्बैंड को ना आज अभी कुछ खाना भी नहीं है नाश्ते में, तो इसलिए अभी कुछ बनाया भी नहीं है मैंने। जब बच्चे उठेंगे तब मैं बनाऊंगी, इससे पहले मैं अपने घर की जो है साफ सफाई कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे घर में ना मुझे आए हुए मतलब गांव से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन 4 दिन से ना पानी नहीं आ रहा है। मतलब पहले से ही नहीं आ रहा है पानी, तो बहुत कम 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 आ रहा है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था। तो ना फ्रेंड्स, कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे काम हमारे पानी से जुड़े होते हैं। और जब नहीं आता है ना, तब हमें जो है पानी की वैल्यू ना बहुत अच्छे से पता चल जाती है, और जब आता है ना तो कितना कितना बहा देते हैं कुछ पता भी नहीं चलता। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है पानी की वजह से, क्योंकि काम ठीक से भी नहीं हो पा रहे हैं। और बस, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना बाहर तक की झाड़ू लगा दी है। अभी गैलरी में ना कूड़ा नहीं उठाया है हस्बैंड का, मतलब उधर नहा रहे हैं ना, तो उनके कपड़े भी निकाल के देने हैं। तो कपड़े तो नहीं निकालने हैं, इसमें सॉक्स रखे हुए हैं वही इनके निकालने, कपड़े वगैरह सब निकाल के दे चुकी हूँ। तो अभी जो है सबसे पहले इनका काम करने के बाद में फिर मैं बाहर की तरफ झाड़ू लगाऊंगी। और बच्चों को अभी सोने देती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन और ठीक से सो लेंगे, फिर तो इन्हें जल्दी उठना है, अपने रूटीन में आना है। और अभी मैं भी लेट ही उठ रही हूँ, जब से गांव से आई हूँ ना तब से तो और भी ज़्यादा मैं लेट उठ रही हूँ, क्योंकि पता नहीं नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना फ्रेंड्स, बहुत नींद आ रही है, शरीर का आलस ही नहीं जा रहा है। और अभी क्या हो रहा है ना, जब भी मतलब जब से मैं आई हूँ ना, मतलब ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम होती रहती है, चेहरे पे इतनी स्वेलिंग आ जा रही है ना कि बहुत बेकार सा चेहरा लग रहा है, और पूरे शरीर पे ही है। तो इसकी वजह से ना शरीर में इतना आलस है ना, इतना भारीपन है कि ना तो मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा। बस ऐसा लगता है कि बस बिस्तर पर पड़े रहो पड़े रहो। दिन में लेट जा रही हूँ तब भी, रात को लेट जा रही हूँ तब भी, और ना ही मैं ऐसा कुछ खा रही हूँ, फिर भी जो है पूरे शरीर पर, चेहरे पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है ना, आँखों में आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ, लेकिन दिन में सोई थी ना, तब भी मैं आप सबको दिखाऊंगी कैसा मतलब चेहरा अजीब सा हो रहा है। तो बस अभी जो है हस्बैंड हो गए हैं नहा धो के रेडी, और मेरे बच्चे देखो कितने आराम से सोए पड़े हैं। तो बस ये सब ये चले जाएंगे, फिर मैं उसके बाद से अपना बाकी काम। फ्रेंड्स, अभी चले गए हैं हस्बैंड ड्यूटी, और ना मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली है। आज का ना मौसम थोड़ा सा यहाँ पर ठीक हो रहा है, यहाँ मतलब आज थोड़ी थोड़ी सी मतलब हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना जैसे बारिश हो गई, और अभी और ज़्यादा काला काला हो गया है। गांव में हम थे ना फ्रेंड्स, तो डेली बारिश हुई, और अभी भी ना वहाँ पे डेली बारिश हो रही है, डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब वहाँ बारिश नहीं हो रही, और तेज़ वाली बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक भी बूंद नहीं पड़ी है। बस आज रात को थोड़ी सी बारिश आई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। पहले तो हम डर रहे थे कि गाँव में गर्मी होगी गर्मी होगी, नहीं जा रहे, लेकिन गाँव में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, क्योंकि डेली बारिश की वजह से। और यहाँ पर आज थोड़ी सी बारिश हुई है, जब से यहाँ आई हूँ ना हालत इतनी ख़राब है बहुत, और इधर पानी नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कम कम पानी आ रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है कपड़े वपड़े धोने में। तो अभी ना जो मैंने रात को कपड़े धुले थे, जो आपने पिछले व्लॉग में देखे ना, ये सारे सूख गए हैं, मैंने सब पंखे में सुखा दिए थे डाल के। तो बस अभी जो है इन्हें रख दिया मैंने इकट्ठा करके, और ये जो बैग रखे हुए हैं ना फ्रेंड्स, बस इसी वजह से रखे हुए हैं कि ये जो धुल के कपड़े मुझे लगाने हैं। वहाँ पे क्या हुआ था ना, 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं कपड़े नहीं धुल पाई थी, एक दिन तबीयत ख़राब की वजह से और एक दिन बारिश की वजह से। तो टोटल 2 दिन के कपड़े वहाँ के और फिर यहाँ के भी हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है आज देखूंगी। कल कुछ मैंने हाथ से धुले थे, आज हाथ से धुल के सबसे पहले ये वाले बैग खाली करके लगाऊंगी। और काम बहुत सारे हैं, लेकिन पानी की वजह से सब पीछे हो रहे हैं।
पर धीरे 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 धीरे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा करूंगी, कुछ तो हल्का होगा ही, है ना। तो बस अभी जो है मैं अभी झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, नीचे लगाने जाऊंगी झाड़ू, अभी घर में तो लगा दी है। उसके बाद से देखते हैं क्या करेंगे, बच्चे भी सो रहे हैं। आज 1 जून है, पता नहीं आज स्कूल खुल रहा नहीं खुल रहा, कोई मैसेज नहीं आया है, और आज मैंने बच्चे भेजे भी नहीं है ना, क्योंकि 1-2 दिन तो कोई बच्चा ज़्यादा आएगा भी नहीं, तो मैं इन्हें भेजूंगी शायद ट्यूसडे से, नहीं ओ वेडनेसडे से भेजूंगी। तो बस आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें। फ्रेंड्स, मैं अभी कह रही थी ना बारिश होगी बारिश होगी, तो देखो बारिश जो होने लगी, देखो कितनी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है लेकिन कम भी नहीं हो रही है, ठीक है मौसम, थोड़ा सा गर्मी कम हो रही है, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा ना। बारिश होकर ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब सारे पेड़ पौधे धुल जाते हैं ना तो पूरे ग्रीन 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 बहुत अच्छा लगता है। ये देखो हल्की हो रही है बस, तेज आ जा बारिश तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम तेज वाली पड़नी चाहिए पहली बारिश तो, है ना। लेकिन आज बादल जो है पूरा भरा हुआ है पानी से, लग रहा है पूरे दिन होने वाली है, पर कुछ पता नहीं है कैसे होगी। और मेरे बच्चे ना अभी सोए हुए हैं, आज आज और सोने दो इनको, फिर ये जो है अपने रूटीन में आ जाएंगे, जल्दी उठना स्कूल जाना। तो बस चादर ओढ़ के दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। 200-300 रुपया भी पर्स में नहीं छोड़ सकते बच्चे। चलो भाई सुबह से अब हम मिल रहे हैं शाम को। ये देखो ये मतलब निकाल लिए थे, हे भगवान भाई, मेरा पर्स अभी जो मतलब मैं रखता नहीं हूँ पर्स जेब में, तो मेरा पर्स में पैसे नहीं छोड़ते। चलो रख तो दिए, अच्छी घर वाली 500-500 रुपए रखे हैं पर्स में, अगर नहीं होते हैं ना आदमी के पर्स में पैसे, 500-600-1000 रुपए रख देना पर्स में। हमें अच्छी नहीं बनना, अच्छी नहीं बनना क्या? काम वो करना चाहिए जिसमें अपना फायदा हो। हाँ सही बात है, जिसमें नुकसान हो। देखो अच्छे आदमी पता है रोज अपनी बीबी को 500 रुपए 100 रुपए 300 रुपए इस तरह से देके जाते हैं, जब ड्यूटी जाते हैं तो अच्छा ठीक है। जो अच्छे आदमी होते हैं, नहीं बने ना तुम कभी अच्छे, अब हम भी अच्छे नहीं बनेंगे। चलो भाई जब उड़ो, चलो भाई अभी हम चलते हैं कुछ लेने सामान थोड़ा मोड़ा सा। पंखा बंद कर दे। उस कमरे का भी कर दे बेटा बंद। देखिए किचन बंद है क्या बेटा, घड़ी ना पहने तू हट। चलो भाई देखते हैं, पता नहीं मुंह जब भी सो के उठ रही हूँ, थोड़ा सा ही सोई थी दोपहर में तो फिर भी मुंह सूझ रहा, सुबह उठी रात को सो के तब भी मुंह सूझ रहा, क्या दिक्कत। अरे पूरे शरीर पे इस टाइम सूजन आ रही है मेरे। 2 बजे सोई थी, 2 बजे नहीं सोई थी मैं, सोई थी 3 बजे और मैं उठी थी 4 बजे।